वहीं नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त कल्याण संघ की बैठक सुपेला स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में लंबित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त कल्याण संघ की बैठक सुपेला में संपन्न हुई। बैठक में संघ से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बैठक में शासन स्तर पर लंबित समस्याओं की चर्चा की गई, जिसमें शासन को पत्र लिखने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखने पर भी सहमति बनी। बैठक में शासन द्वारा प्रदान किए जा रहे 17% महंगाई भत्ते को विलंब से देने पर अधिकारियों कर्मचारियों ने हुई परेशानियों पर चर्चा करते हुए शासन को अवगत कराने का निर्णय लिया। साथ ही शासन के अन्य विभागों को 28% महंगाई भत्ता दिए जाने एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिए जाने को अनुचित ठहराया गया। बैठक की जानकारी कल्याण संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने दी। ये हमने अभी जितने हमारे प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, उनका एक संगठन हमने बनाया है, नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कल्याण संघ का। तो उसकी हमने एक बैठक रखी थी, जिसमें 2-3 बिंदु पे हमने डिस्कशन किया। एक तो रेगुलर बॉडी का गठन, दूसरा जो शासन स्तर पे जो हमारी समस्याएं हैं उस पर भी हमने विचार करके, और जो शासन को पत्र देना है या आयुक्त नगर निगम भिलाई को पत्र जो देना है, उस संबंध में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है अभी, जिसमें हमने ये तय किया है कि जो नगरीय निकाय के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं, उनको शासन द्वारा अभी तक मात्र 17% जो महंगाई राहत प्रदान किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, वो भी विलम्ब से किया गया है। ये जो कि हमें एक साल पहले करना था, बहुत देर से किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा विलंब किया, जिससे हमारे रिटायर्ड लोग काफ़ी परेशान हुए, उनके नित्य जो डेली के खर्चे वो प्रभावित हुए हैं। तो इसी आगे भी बनी हुई है। अभी अब 28% जो शासन के अन्य विभाग हैं वहाँ पे 28% कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ 17% दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। नगरीय निकाय के सारे अधिकारी कर्मचारी, मुझे लगता है कि बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से कम 2-3 घंटे ज़्यादा काम करते हैं, और उनके साथ जो ये इस टाइप का बर्ताव दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, उचित नहीं है, जिसके लिए हम बहुत शीघ्र माननीय मंत्री से संपर्क करेंगे। और दूसरा, जैसे कि 28% और समय पे, जैसे ही शासन के अन्य विभागों में जो भी महंगाई राहत दी जाती है वो साथ साथ इनको भी दिया जाए, इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे। पहला बिंदु ये है, इस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारे पुराने वर्क चार्ज और डेली वेजेस के कुछ कर्मचारी हैं, जिनका ग्रेच्युटी है, अवकाश नवदीकरण है, वो लगभग 177 कितने कर्मचारी 192 कर्मचारी हैं, जिनको रिटायर होने के बाद साल भर हो गया, अभी तक न ग्रेच्युटी दी गई, न उनका अवकाश नवदीकरण हुआ है, रिटायर तनख्वाह उनकी एकदम से बंद हो गई, पेंशन भी उनकी अभी तक पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुई है, वो कैसे अपना जीवन यापन करें, इस संबंध में हम बहुत शीघ्र आयुक्त महोदय से प्रयास करेंगे, संपर्क करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे। जो भी स्थिति बनती है, यदि शासन बिजली का बिल, पानी का बिल, रोड बनाना, नाली बनाना, ये सारे खर्चे यदि शासन कर सकता है, तो जो आदमी की जिंदगी से संबंधित जो सैलरी का मामला है, तनख्वाह का मामला है, पेंशन का मामला है, ग्रेच्युटी का मामला है, उस पर शासन को ध्यान देना चाहिए, और ये भुगतान तो तत्काल किया जाना चाहिए। इस संबंध में आयुक्त महोदय से हम निवेदन करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने स्तर पर प्रयास करिए, और अगर संभव, अगर आवश्यकता हो तो शासन स्तर से पत्राचार करके। बहरहाल, समस्याओं के निराकरण के लिए निगम आयुक्त से मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आयुक्त से शासन स्तर पर चर्चा करने अनुरोध किया गया, जिससे सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की मांगे शीघ्र पूरी हो सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।